नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। परंपरा के हिसाब से मंथ का यानी महीने का पहला शुक्रवार ट्रू क्राइम के नाम, तो ये नवंबर का पहला शुक्रवार है। तो एक और किस्सा, एक और कहानी और फिर उससे ज्ञान की बातें कि क्या सीखा, क्या सोचा, क्या ले गए, क्या नहीं किए गए, क्या छोड़ा, क्या पाया, है ना क्या मिला, क्या गवाया। तो फिर सबसे पहले तो किस्सा सुनाया जाए, यानी कि केस सुनाया जाए। तो पिछले हफ्तों जब मैं दूसरे केसेस मैंने किए तो मुझे बार बार यही दिमाग में आ रहा था कि यार ये ज़्यादातर करके केसेस आदमियों के क्यों होते हैं। और कईयों से मैंने ये चीज़ बोली भी कि देखो तो सिर्फ आदमी ही क्रिमिनल होता है, इतने सारे आदमियों के केसेस हैं और मतलब अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैलेंस लाया जाए, कुछ औरतों के भी खोजे जाए, कम भी होंगे लेकिन जो भी हैं बाहर तो निकालें भाई। तो इस बार की जो कहानी या इस बार का जो इंसिडेंट है वो औरत का किया धरा है। तो बंदी का नाम था प्रिया सेठ। प्रिया सेठ एक बहुत छोटे घर या आम कम पैसे वाले घर की लड़की थी, जयपुर के किसी आसपास गांव से। वो पढ़ने की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मार्क्स वार्क्स बहुत बढ़िया आते थे, तो फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट था। तो उसके फादर ने कोशिश करके उसको बड़े शहर जयपुर भेज दिया कि पढ़े लिखे थोड़ा कुछ बढ़िया कमा शमा ले और अच्छी कहीं लगा जाए। होता है ना इससे सबका सपना कि उनके बच्चे अच्छा करें, तो इनका भी था। जयपुर जब ये पहुंची तो उसकी चकाचौंध में थोड़ी सी हड़बड़ा सी गई। इनको इनके जो ख्वाब थे वो ज़्यादा ही अलग तरीके से पर मारने लगे और फड़फड़ाने लगे, और पर जो निकले उनके वो कुछ अलग टाइप के निकले। इनको लगा कि भाई यहाँ मैं और भी तरीके से पैसे जो उनको आते हैं वो शायद कम पड़ते हैं, तो कैसे तो भी करके पैसे कमाऊँ और थोड़ा और चीज़ें खरीदूँ, इंजॉय करूँ लाइफस्टाइल, थोड़ा अलग दिमाग कहीं और चलने लगा। तो औरत का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, उसका शरीर, है ना। तो फिर उस शरीर का फायदा तो औरतें बहुत बार उठाती हैं, क्योंकि देखें तो फिजिकली तो हम लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, फिजिकली तो थोड़ा वीक, काफ़ी वीक है। अगर आदमी किसी दौर मारना पीटना चाहे तो बहुत ईजिली कर पाता है, लेकिन उनकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है जो औरत ने एक वार किया। तो ये सभी जो खूबसूरत औरतें हैं वो आदमी को वश में रखती हैं अपनी खूबसूरती से। और इंडिया में तो हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने घर में, अपनी जगहों में अपनी बीवियों से खुश नहीं हैं, या वो उनको नहीं मिल पाता जो उनको चाहिए है, तो फिर वो आगे आसपास कोशिश करते हैं मुंह मारने की। और ये जो मुंह मारने का जो होता है वो थोड़ा ऐसी चीज़ है कि जिससे वो शर्म भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओपनली कहीं चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो गृहस्थी और घर वाले हैं सब ना, सबके बच्चे हैं, ये सब है। तो वो लोग जो सर्विसेज यूज़ करते हैं वो छुप छुप के करते हैं। तो जो प्रिया सेठ थी इनको इस चीज़ का ज्ञात था, तो उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया उन्होंने एस्कॉर्ट सर्विसेज एक ज्वाइन करी और वहाँ लोगों को ब्लफ करना शुरू किया, कुछ टाइम तक वहाँ की, और फिर खुद अपना ही बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें वो क्या करती थी कि अपना अमीर लोगों को फांसती थी, होटल रूम में ले जाती थी, फिर जब वो पैसे उनसे ले लेती थी एडवांस में, और फिर कोई बहाना करके वहाँ से निकल जाती थी, सर्विसेज नहीं देती थी। और इन लोगों का कैसा था कि ये लोग जो फंसते थे इस जाल में वो इसलिए फंस जाते थे क्योंकि उनको शर्म आती थी। कैसे पुलिस के पास जाके बोलेंगे कि भाई वो खुद तो 40 के हैं लेकिन वो 21 और 22 साल की लड़की के साथ क्या करने गए थे, क्यों होटल में गए थे भाई, तो इज्जत का कचरा होगा। तो लोग पैसे दे देना ही उचित समझते थे। तो इनका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। इनको फिर एक लड़का मिला जिसका नाम था दीक्षांत कमरा। वो 21 साल का लड़का था, शायद इनका उसके साथ प्रिया सेठी का इन्वॉल्वमेंट था, उनको पसंद रहा होगा लड़का जरूर। लेकिन ये लड़का थोड़ा मॉडल बनने आया था बॉम्बे, पर खास कुछ कर नहीं पाया था। तो इसके ऊपर बहुत कर्जा था, काफ़ी बड़ा, जो मैं कहानी देख रही थी उसमें जो स्लाइटली प्रिया सेठ ने मेंशन किया था कि 21 लाख का इन पर कर्जा था। तो ये 2018 की बात है। तो प्रिया सेठ से जब मिले लोग, तो इन लोगों का थोड़ा काफ़ी घनिष्ठता बढ़ गई थी और काफ़ी एक दूसरे को पसंद करते थे।
तो प्रिया को लगा कि भाई इनका कर्जा भी उतर जाए और हमारी कमाई भी काफी हो, तो इस बार जो है थोड़ा हाथ अलग टाइप से मारना होगा। तो इनकी एक प्रोफाइल टिंडर में थी ऑफकोर्स प्रिया की, जहां से लोगों को वो पिक करती थी। तो इन्होंने सोचा कि इस बार ऐसे किसी पुख्ता आदमी को पिक करें कि जिसके पास बहुत पैसा हो, और फिर उससे पैसा ऐंठ कर इनका कर्जा भी उतार दें और अपना भी फिर निकल जाए यहां से और बिंदास जिए। तो उन्होंने प्रोफाइल्स चेक करना शुरू किया टिंडर में। टिंडर में उनको एक प्रोफाइल मिला जिसमें विवान कोहली करके, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाला आदमी ऐसा था उसमें, कि अरे बंबई का रहने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो दो चीजें इन लोग को सही लगी, एक तो ये कि वो बंबई का था, और दूसरा कि उस शहर का नहीं था जहां ये लोग थे, और दूसरा कि बहुत पैसे वाला है। तो इनको लगा कि ये मुर्गा बिल्कुल ठीक है, तो इसी को फंसाया जाए। तो भाई इन लोगों ने उस बंदे को फंसाया, प्रिया ने मतलब अपने प्रोफाइल से उसको अट्रैक्ट करके फंसा लिया। अब कहानी इस तरफ हो जाए इस लड़की की, जो विवान कोहली करके, विवान कोहली जो थे ये जनाब एक छोटे परिवार से थे, उनकी बीवी थी, एक लड़का था, पर ऑफ कोर्स अपनी बीवी से या अपनी शादीशुदा जिंदगी से थोड़ा बोर हो चुके थे। तो इनको लगा कि कुछ मस्ती की जाए यार। तो इनका जैसे होता है ना लोगों की इच्छा कि भाई हम भी बड़े आदमी होते, ओल्टर ईगो जैसे कहते हैं कि एक तरफ आप एकदम अलग हो, दूसरी तरफ आप एकदम अलग, तो दूसरा है वो आपकी कुछ ख्वाहिशें पूरी करता है जो आपके अंदर दबी हुई हैं। तो वो जो ईगो था इनका, ये जो ऑल्टर ईगो कहलाता है, जो जिस जगह वो, तो उन्होंने वो अपना प्रोफाइल टिंडर में बनाया। फेसबुक के थ्रू उनको टिंडर की कुछ जानकारी मिली, तो उन्होंने टिंडर में एंट्री मारी। उनको लगा कि ये जो मेरे अंदर की कैसानोवा जो अंदर बैठा है उसके लिए मुझे टिंडर में जाना जरूरी है। तो बीवी तो ठीक है, बीवी अपना घर पे है, उन्होंने सोचा ये एक गुप्त कार्यक्रम मैं शुरू करूं। इनका असली नाम था दुष्यंत शर्मा, लेकिन इन्होंने टिंडर पे अपना नाम विवान कोहली के नाम पे रख दिया। थे बड़े छोटे और मध्यम या ये क्या कहते हैं मीडियम फैमिली के, यानी मिडिल क्लास फैमिली के, लेकिन इन्होंने वहां प्रोफाइल में दिखाया कि काफी वेल्दी हैं, और नाम भी ऑफकोर्स बदल दिया, विवान कोहली कर दिया, और ये भी बताया कि बंबई से हैं, सब कुछ बदल दिया। अब ये बैठी थी प्रिया सेठ, जो प्रिया को तो कैसा था कि कोशिश में लगी थी कि इनको कोई ऐसा मिल जाए माल वाली पार्टी जिसको ये, जिससे ये पैसा हड़प सकें। फंसे ये कोहली साहब का मैच हुआ। कोहली साहब खुश कि चलो भैया एक कोई लड़की मिली, अब मजा आएगा जीवन का, कि थोड़ा इधर भी रस लिया जाएगा और फिर घर जाएंगे तो ताजे हिसाब से जो उनकी ख्वाहिशें हैं अंदरूनी जो बीवी से पूरी नहीं होती वो हम यहाँ पूरी कर लेंगे। तो 2 मई की बात है, 2 मई 2018 ये अपने घर आए। इन्होंने अपने फादर की जो सुजुकी हैचबैक थी वो उठाई, एक वाइन की बोतल खरीदी और बहाना करके घर से निकल गए कि ऑफिस का कुछ काम है, क्योंकि ऑफिस तो खत्म करके आए थे, पर घर आके चेंज वेंज किया और फिर अपना निकल गए। इनको बड़ी हड़बड़ी थी कि जाके प्रिया से मिले। प्रिया ने अपना एड्रेस, अपना घर का एड्रेस दिया हुआ था, किसी कॉलोनी में रहती थी आसपास। तो खबर तो बड़ी पहुंच गए वहां, मारे खुशी के इनके ठिकाना न था कि प्रिया से मिलने जा रहे हैं। घंटी बजाई, प्रिया ने दरवाजा खोला, प्रिया काफी खुश कि अरे भाई मेक योर सेल्फ एट होम। अंदर घुसी तो नजारा कुछ और था, वहां दो आदमी ऑलरेडी छुपे हुए थे, दोस्त जो इनके बॉयफ्रेंड जैसे थे जिनके साथ इनका कार्यक्रम चल रहा था प्रिया का, वो दीक्षांत कर्मा और उसका एक दोस्त जिसका नाम था लक्ष्य वालिया, ये दोनों अंदर ऑलरेडी थे। इन्होंने दबोच लिया इनको और धर लिया कि भैया अब विवान साहब आपके तो पास पैसे बहुत हैं, पैसे दे दो, 10 लाख दे दो तो हम आपको ठीक कर देंगे, छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। जब ये सब शुरू हुआ तो इनको पता चला भैया दुष्यंत साहब को कि कहाँ मैं फंस गया हूँ। तो इन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, काफ़ी गिड़गिड़ाए, बताया कि भैया मैं विवान कोहली अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरा नाम असली में दुष्यंत है और मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो इन लोगों ने उसका वॉलेट चेक किया, सब कुछ चेक किया, आधार कार्ड शार्ड, तो पता चला सही में वो दुष्यंत ही थे, विवान नहीं थे। तो इन लोग तो पड़ गया गच्चा। तो अब क्या करते, तो इन्होंने फिर भी जो दुष्यंत के फादर थे उसको दुष्यंत के फोन से किया फोन और थोड़ा ब्लैकमेल किया कि अगर आप पैसे नहीं ट्रांसफर करेंगे 10 लाख तो हम दुष्यंत को मार डालेंगे।
फादर बेचारे गरीब आदमी, उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, उनके पास एक एफडी थी 3 लाख की शायद। तो उन्होंने कहा कि भैया आज तो मैं तुमको 3 लाख दे सकता हूँ, थोड़ा वक्त मुझे और देना तो मैं इधर उधर से बोरो करके आपको दे दूंगा 10 लाख। तो आके ठीक है अभी 3 लाख तो ट्रांसफ़र करो। तो बेचारे दौड़े भागे गए, उन्होंने 3 लाख तोड़वाया अपना और इनको ट्रांसफ़र किया प्रिया सेठ को, प्रिया सेठ नहीं दुष्यंत के ही अकाउंट में बोला गया था डालने को, तो दुष्यंत के अकाउंट में डाल दिया उन्होंने। बाकी के पैसे का वो दौड़ भाग करके लोगों को फ़ोन करके इंतज़ाम कर रहे थे, जितने भी उनके जान पहचान के लोग थे, जिनकी जो था जो जितना कर सकता था उनकी मदद भी कर रहा था। ये बस थे उसमें कि भाई पैसा हम दे देंगे और बच्चे को अपने बचा लें, क्योंकि बच्चा काफ़ी परेशान और रोता पीटता आया था कि पापा ये लोग मुझे मार देंगे। अब इधर की कहानी, प्रिया सेठ जो थी, जब इन्होंने सोचा कि चलो किसी माल वाले पार्टी से, तो इन्होंने दीक्षांत के साथ सोचा था, प्लान किया था। तो दीक्षांत इस चक्कर में उस झांसे में आ गए कि चलो ठीक है ब्लैकमेल करेंगे और पैसा मिल जाने के बाद उस आदमी को छोड़ देंगे तो इनका कर्जा भी कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, लक्ष्य को इसलिए इन लोगों ने ज्वाइन करवा लिया था कि भाई अकेले कई बार होता है ना कि भाई दो आदमी हो तो बेहतर है, एक आदमी को कंट्रोल करना है, तो प्लान जिससे 3 लोगों ने अपना बन के बनाया था। अच्छा, कहीं भी लगता है कि इसको क्या नाम है इसका, दीक्षांत और लक्ष्य को ये आइडिया नहीं था कि प्रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रिया का ऐसा कहना है कि इन तीनों ने मिलकर मर्डर का प्लान किया, तो इन लोगों ने ऐसा सोचा, प्रिया का ऐसा कहना है कि भाई आदमी से अगर हम पैसा लेने वाले हैं तो उसको जिंदा छोड़ के तो कोई फायदा नहीं है, तो उसको मार ही डालेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 3 लाख तो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद इस आदमी के दुष्यंत को इन्होंने पहले तकिए से गला घोटने की कोशिश करी, उसके बाद एक चक्कू था इनके पास जिससे इन्होंने उसको काट के मार दिया। एक जो वीडियो देखा मैंने उसमें प्रिया बोलती हैं कि इन्होंने नहीं, दीक्षांत ने उसको मारा, गला काटा। लेकिन दीक्षांत का ये कहना है कि सब काम प्रिया ने ही किया था, सब प्लानिंग भी प्रिया की थी, इनफैक्ट लड़कों को पता भी नहीं था कि मारने का भी प्लान है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन जिस तरीके से प्रिया ऑपरेट करती थी, काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि प्रिया ने ही किया होगा सब कार्यक्रम। उसके बाद उसको एक सूटकेस में भर के एक आइसोलेटेड जगह में फेंका है। अब यहाँ फादर ने तो 3 लाख ट्रांसफर कर दिए थे, तो उन्होंने फटाफट जाके पुलिस को कंप्लेन किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद क्योंकि प्रिया का कोई ना फोन आए, ना दीक्षांत का ना उसके फोन पे कोई जवाब हो, कहीं कुछ नहीं, तो फादर बड़े परेशान हो गए, उनको ये डर कि कहीं उनके लड़के को कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने पुलिस को बताया। जब पुलिस को बताया तो प्रिया सेठ के खिलाफ कई केसेस हुए थे पहले भी, उनमें से एक केस था जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को रेप के चार्जेस में फंसाने का की धमकी दी थी, ब्लैकमेल कर रही थी कि 10 लाख दो नहीं तो मैं तुमको रेप में फंसा दूंगी। और जितने भी केसेस इनके प्रति हुए थे, इनको खास किसी में सजा नहीं मिली थी, सब में इनको बेल मिल जाती थी। तो यहाँ ये अपना जो परसेप्शन होता है ना कि लड़कियाँ तो बेचारी होती हैं, ये यहाँ मात खा रहा था। ऐसे देखें तो कितनी औरतें हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है और परेशान किया जाता है घरों में और छतों के पीछे और अरे अपने दरवाजों के पीछे, लेकिन इस केस में ये जो लड़की थी ये चारों तरफ अपना कार्यक्रम फैलाए हुई थी, लेकिन पुलिस उनको पकड़ती नहीं थी, पकड़ती थी तो बेल पे छोड़ भी देती थी। बताइए, तो दुष्यंत को तो इन्होंने मार दिया, लेकिन अब जब ये पुलिस पे खबर हो गई तो फिर क्योंकि इन्होंने पास ही के किसी एटीएम से पैसा निकाला था तो ये ट्रेस हो गई और ये तीनों लोग पकड़े गए और आज के दिन सजा खा रहे हैं, अपनी अपनी जगह सबको सजा मिली हुई है। बस ये है कि ये नहीं पता कि हो सकता है कुछ सालों में छूट जाए। तो दुष्यंत के फादर को इसका बड़ा था कि भाई हमने तो अपना लड़का खो दिया, क्योंकि अब सोचिए लड़का गया कि मस्ती करने और बीवी बच्चे को छोड़कर, उनकी फैमिली तो अभी तक ये बिलीव ही नहीं कर रही है कि उनका लड़का जो था वो दो जिंदगियां जी रहा था, विवान कोहली और जो घर में था वो। तो कुछ गलत चाह के चक्कर में कहां फंसे जाके, दलदल में फंस गए जनाब, ऐसा फंसे कि बाहर ही ना पाए, जीवन से ही हाथ खोना पड़ा। लेकिन ये जो बात होती है ना कि औरतें कभी कुछ गलत नहीं करती, गलत तो करती हैं, बहुत औरतें करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राइम वर्ल्ड में औरतें नहीं हैं, हैं अलग तरीके से, अलग लहजे से, या कुछ ऐसे धंधे, सब में फिजिकल ही इन्वॉल्व होता है कि वो कुछ ही ना किसी तरीके से सेक्सुअल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वहीं कहीं बरगलाती हैं लोगों को, जिसके चक्कर में आदमी फंस जाता है और फिर उसको तहस नहस करती हैं।
प्रिया सेठ का अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देखें तो अजीब लगता है देखकर कि लड़की ने इतना दंद भंद किया, वो तो है ही। वो कहती हैं कि जो हम कॉल गर्ल वाला करते थे, स्कॉट वाला काम जिसमें लोगों को ठगते थे, वो तो मैं समाज सेवा कर रही थी, क्योंकि ये आदमी जो आ रहा था, आते हैं हमसे मिलने, वो भी तो अपनी फैमिलीज को छोड़ छोड़ के आते हैं, और करते क्यों ऐसा, ये तो सही नहीं है। तो हम अच्छा ही कर रहे थे उन आदमियों के साथ। और जिस तरीके से वो बताती है, ऐसा लगता नहीं है कि उसको जरा भी पछतावा है। पता नहीं, मुझे कहीं ऐसी फीलिंग हुई उसको देख के कि एक मर्डर नहीं और भी कई कर चुकी होगी, शायद आगे चल के कभी बाहर आए, क्योंकि उसको जरा भी रिमोर्स नहीं है, जरा भी दुख नहीं है कि उसने किसी का खून कर दिया है, या उसने या उसके दोस्तों ने मिलकर उन लोगों ने प्लॉट ऐसा किया, खून किया। प्रिया ये भी कहती है कि जो खून का प्लानिंग था वो पहले से ही था, ऐसा नहीं था कि उस आदमी को हम छोड़ने वाले थे, क्योंकि छोड़ने का मतलब कि वो पुलिस के पास जाएगा, तो खून तो पहले से ही प्लान था। तो जब ये फोन इन्होंने किया उसके बाद ही कहती है उन्होंने दुष्यंत को मार दिया था, क्योंकि मारना तो था ही प्लान में, उसके आगे पीछे के क्या होगा वो तो बाद की बात थी। और उससे ज्यादा अचंभे की बात यह है कि उसी दिन शाम को जब इन्होंने खून किया है, मारा है दुष्यंत को और उसकी बॉडी को डिस्पोज किया है सूटकेस में भर के, शाम को वो फिर अपने यूजुअल धंधे पे निकली थी, एस्कॉर्टिंग वाले। विचित्र नहीं है, किस तरीके की मानसिक स्थिति होगी इस लड़की की, अजूबा एकदम नहीं। तो फिर इस घटना से हम क्या, हमें क्या लगता है, मुझे क्या समझ में आया? तो पहली चीज तो यही, बहुत ज्यादा जरूरी चीज तो ये कि भाई विश्वास ये जो है थोड़ा कीमती है, उसको इतनी जल्दी लोगों पे ना डालें, स्पेशली ऑनलाइन डेटिंग जो होती है। ऑनलाइन डेटिंग मेरे हिसाब से अगर आप करते भी हो, भाई आजकल ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि सब ऑनलाइन गड़बड़ी लोग होते हैं, पर इक्का दुक्का निकल जाते हैं डेंजरस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन डेटिंग में लोगों को किसी के एक दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। जो अगर आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो फॉर फन सेक, तो आप किसी न्यूट्रल होटल में मिलो और थोड़ा पता नहीं, बैकग्राउंड चेक तो होना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई फेक प्रोफाइल खड़ी करता है वहां और टिंडर पे चल रहा है उसका कार्यक्रम, तो उसका काम ही है कि वो क्विक सेक्स के लिए ही है वहां पे, क्योंकि उनको भी दुनिया की लड़कियां वहां से एकदम चिल्लड़ के भाव मिल रही हैं, क्यों नहीं ले लेंगे भाई, मुफ्त में, पैसा भी नहीं लग रहा, टिंडर तो फ्री हो गया ना, कि भाई आप डेट कर रहे हो, डेटिंग के बाद आप क्विक सेक्स हो रहा है आपका, तो आपको तो फ्री कार्यक्रम मिल गया, तो टिंडर तो वैसी चीज मानी जाती है। तो थोड़ा संभल के, खास करके यंग लोग। और फिर ये है कि औरत आदमी जो शादीशुदा हैं, जिनको अगर अपनी फैमिली से ये जो छुपके और चोरी छुपे वाले काम होते हैं, ये बड़े गड़बड़ होते हैं यार, समझ नहीं आती। एनीवेज, तो ये इस हफ्ते की कहानी। तो जब भी दो तीन चीजें ध्यान रखें कि जब भी कुछ गलत हो, आप गलत करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक बात है कि आप शादीशुदा हो, आप टिंडर पे जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर टिंडर पे जाने के बाद जिस आदमी से, औरत से आप मिलते हो, वो आपको ठग लेता है या कुछ गलत आपके साथ हो जाता है, तो उसको पुलिस तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, वहां हजारों लोग होंगे, तो एक ही किसी को हिम्मत करनी पड़ती है। अगर एक कर लेता है हिम्मत, तो फिर बहुत सारे बाहर आते हैं कि अरे ऐसा हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, तब केस बनता है। तो ये दोनों तरफ जायज है, आदमी अगर करता है ऐसा तो भी जायज है, और औरत करती है तो भी जायज है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, चाहे आप भी चोरी छुपे कुछ गलत कर रहे हो, बट आप किसी का मर्डर, किसी को परेशान तो, या एक्सटॉर्शन, इन सब में तो नहीं होना इन्वॉल्व, पर अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो हिम्मत करके पुलिस तक वो बात पहुंचाएं। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई छुपी हुई कहानी बाहर आ जाए, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि बहुत दूसरे लोग बच जाएं और ये जो कर रहा है ऐसा गलत काम वो पकड़ा जाए। नहीं, जरूरी है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को खत्म करने का एक ही जरिया है कि जिसके साथ जब भी कुछ हो तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, क्राइम स्टॉपर्स को इन्फॉर्म करे, जिससे कि इन चीजों का अंत हो सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। चलिए, सी या, बाय बाय।